पाकिस्तान से अपने पबजी प्रेमी सचिन मीणा के प्यार में ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा आई सीमा गुलाम हैदर मीडिया में लगातार छाई हुई हैं। सीमा और सचिन वायरल हैं, यहां तक कि उन पर कमेंट करने वाली मिथिलेश भाटी भी वायरल हो गई। भारत और पाकिस्तान की इस प्रेम कहानी के बीच चिर प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान क्रिकेट के मैदान पर भिड़ने जा रहे हैं। एशिया कप का सुपर हिट मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच 2 सितंबर को श्रीलंका में खेला जाएगा। इस मैच को लेकर काफी एक्साइटमेंट देखी जा रही है। इस बीच हॉट टॉपिक बनी सीमा हैदर ने भारत और पाकिस्तान मैच पर कुछ ऐसा कह दिया है जो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। सुनिए भारत और पाकिस्तान मैच के बारे में क्या बोली सीमा हैदर। बहुत अहम दिन है कल, आप जानती है क्या है? 2 तारीख को अभी ज्ञान नहीं है, अभी पता अभी सुबह सुबह से कल से तो देखने वाले आ रहे हैं, तभी पता ही नहीं पड़ा कल क्या है। सीमा जी, आप बार बार जो कहती है ना, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, तो कल आपको जोर से बोलने का मौका मिलेगा। कल भारत और पाकिस्तान का मैच है 2 तारीख को। अच्छा, मैच की डेट का पता नहीं था। हाँ, अच्छा, किसको सपोर्ट करेंगी आप? जाहिर सी बात है हिंदुस्तान को करूंगी, इसमें कोई पूछने वाली बात है? जब पाकिस्तान में थे तब एक मन करता था कि हिंदुस्तान को या पाकिस्तान को, उस वक्त जब आप वहां थे? हाँ, एक मैच हुए थे बीच में, तो तब भी मैं ये बात करते थे, तो मैं दोनों तरफ थी, पाकिस्तान की साइड भी थी और हिंदुस्तान की साइड भी। हिंदुस्तान की तरफ सचिन जी की वजह से? बिल्कुल, और विराट कोहली जी की वजह से। अच्छा, टीम इंडिया के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगी आप? यही प्रार्थना करूंगी उनकी जीत हो। हाँ, बड़े अंतर से? बिल्कुल, मन तन धन से प्रार्थना करूंगी भगवान जी की, सारी देव देवताओं से, कि उनकी जीत हो और मैं भी देखूंगी। अच्छा सीमा जी, देखिए जब भी आप उनके छक्कों पे मैं ताली बजाऊंगी। अच्छा, ताली बजाएंगी आप? चलिए ठीक है, हम तो कहेंगे कि कल आप हमारे साथ भी जुड़िएगा, हम सब लोग जश्न मनाएंगे जीत का। लेकिन एक चीज और सीमा जी, एक चीज और क्या है कि जब हम आपसे जुड़ते हैं, हम बहुत सारी बात आपसे करना चाहते हैं। एपीसी के साथ से भारत जीतेगा, भारत जीतेगा, कल भी भारत जीतेगा। देखिए यही इसके लिए दुआ करेंगे। एपीसी साहब से भी हम लोग बात करते हैं, सीमा जी से भी हम बात करते हैं, लेकिन जब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सीमा जी से भारत पर एक गाना गवा दीजिए, क्योंकि वो भारत पाकिस्तान का मैच है, बहुत अहम दिन है, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि एक बार एक कोई गाना हो जाए भारत की जीत के लिए अभी से, कि अभी से आप जीत का जश्न मना रही हैं। हाँ, जीत का कोई गाना भी दिमाग में नहीं आ रहा। भारत देश के सारे गाने 15 अगस्त पे गाए, वो गा दीजिए। थोड़ा सा गाऊंगी, दो लाइन, एक लाइन ही गाऊंगी, दो लाइन भी नहीं आई। नहीं, दो लाइन, एक नहीं, दो। तो वो खुशी का ही गाना चाहती हूँ, इंडियन शेर दिल शेर, यही कह रही थी मैं, क्योंकि इसकी आगे लाइन मुझे याद नहीं है, बट ये मेरा फेवरेट गाना रहा है, इंडियन शेर दिल शेर। अरे तो सुनो गौर से, दुनिया वालों तो आता होगा। दूसरा गाऊं, मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। लेकिन कल हम शांत नहीं रहेंगे, कल तो हम लोग छक्के चौके खूब मारेंगे, विकेट भी, डंडे भी खूब उड़ाएंगे, कल हम लोग सब तैयारी करके आए हैं। सीमा जी और आप भी, सीमा जी कल आप भी हमारे साथ जुड़ेंगे ना भारत के जीत के जश्न में? बिल्कुल जुड़ूंगी। सचिन जी भी साथ में होंगे? ये तो हमेशा मेरे साथ में ही होते हैं और दिखते। मुद्दा चाहे कोई हो, सीमा हैदर चर्चा में आ ही जाती है। टाइम्स नाउ, नव भारत, डिजिटल की रिपोर्ट।